हाँ तो मतलब मुझे पता है मैंने काफी टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, पर ये चैनल अभी जिंदा है मेरे दोस्त, और हम अभी भी काम की बात करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यार। और अगर तुम इस इम्पोर्टेंट बात में मेरी मदद करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि अब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और मुद्दे पे आऊंगी। आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग की बीमारी से लड़ने के तीसरे मेथड के बारे में। अभी तक पिछले दो वीडियोस में हमने बात की कि ओवरथिंकिंग का कारण क्या है, और ओवरथिंकिंग से लड़ने के दो तरीके भी मैंने बताए। अगर आप उनमें से कोई एक तरीका देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले कार्ड पे क्लिक करिए, या फिर आप पहले ये वाला वीडियो पूरा देख लीजिए। और याद रखिए कि आपके पास 5 रास्ते हैं ओवरथिंकिंग से लड़ने के लिए, आप उनमें से कोई भी रास्ता चुन सकते हैं, आप पे। और हाल फिलहाल हम शुरू करते हैं तीसरा रास्ता, पर इसको शुरू करने से पहले जल्दी से क्विक फन टेस्ट हो जाए। इसके लिए आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, चिंता मत करो मैं स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले नहीं करने वाली हूँ, आंखें बंद कर लो। कर ली आंखें बंद? कूल। अब बस वो करो जो मैं बोल रही हूँ। अपने दिमाग में कोई भी कलर इमेजिन करो, पर लाल रंग इमेजिन मत करना। अब आंखें खोलो, सच सच बताओ कौन सा कलर इमेजिन किया था तुमने? लाल? सीरियसली? मैंने बोला था लाल इमेजिन नहीं कर, कमाल करते हो यार। ठीक है हाँ, दोबारा ट्राई करते हैं। इस बार कोई भी कलर इमेजिन कर लो यार, पर मिकाडो कलर इमेजिन मत करना। अब एक बार आंखें खोलो, और इस बार मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने मिकाडो कलर इमेजिन नहीं किया है, क्योंकि ज्यादातर दर्शकों को पता भी नहीं होगा कि मिकाडो कलर होता क्या है। तो इससे पहले कि हम टेस्ट के तीसरे और आखिरी क्वेश्चन पे जाएं, मैं बता देती हूँ कि मिकाडो एक्चुअली एक जापानीज राजा को कहा जाता है, और ये जो कलर जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिस कलर में शब्द लिखे हुए हैं, पीला रंग, एक स्पेसिफिक पीले रंग का शेड जो होता है उसको भी मिकाडो कहते हैं। खैर, अब आपको पता है मिकाडो क्या है, तो अगर अब मैं बोलूंगी इमेजिन करो मिकाडो तो शायद आप कर लेंगे। पर अब जाते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ। अब आपको आंखें बंद करनी है, चलो जल्दी जल्दी कर लिया के बंद। अब मैं आपको दो रंग बताऊंगी जिनमें से आपको हल्का रंग चुनना है, हल्का मतलब लाइट ब्राइट कलर, और वो दो कलर्स हैं काला और सफेद। कौन सा रंग चुना आपने? सफेद, सही जवाब। और इसके लिए आपको मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक ना मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, कुछ नहीं दे सकती मैं, करो चुपचाप सब्सक्राइब। एनीवे, इस बार आपने सही चीज चुनी, तो खैर हमारा खेल यहीं समाप्त होता है। आप सोच रहे होंगे कि इस खेल का ओवरथिंकिंग से क्या लेना देना था। ये जो हमने किया इसे मिकाडो टेक्निक कहते हैं, और मिकाडो टेक्निक में 4 काम वाली बात है। पहली बात, अगर आप कुछ जानते हो तो आप उसके बारे में जरूर सोचोगे। शायद इसीलिए हम लाल रंग के बारे में सोच रहे थे जबकि हमें नहीं सोचना चाहिए था। दूसरी बात, आप अपने ख्याल नहीं रोक सकते, और ये हम जितना जल्दी मान लेंगे जिंदगी उतनी अच्छी कटेगी। इसीलिए जब मैंने बोला लाल रंग के बारे में नहीं सोचना, फिर भी तुम लाल को दिल दे आए हैं। तीसरी बात, हम उस बारे में नहीं सोच सकते जिस चीज को हम जानते ही नहीं है, मिकाडो मिकाडो। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है तो किसी और चीज के बारे में सोचो। अब ये सब तो ठीक है, पर हम इस चीज को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, हमें हमारे ख्यालों पे ताला लगाना है। अब देखो, हर कुछ खाते रहेंगे तो हर कुछ सेहत हो जाएगी, अच्छी सेहत चाहिए तो अच्छा खाना पड़ेगा, इसीलिए दिमाग को भी अच्छा खिलाना पड़ेगा। जिज्ञासा बुरी बात नहीं है, हमने इतने सवाल पूछे तभी जाकर तो आज हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे विचार हैं। पर जब हमारे दिमाग में ज्यादा विचार हो जाते हैं तो हमारा दिमाग मैल फंक्शन कर जाता है, हमारा दिमाग कचरा हो जाता है। और ये आजकल की तारीख में बहुत ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास है फोन, फोन में है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे या तो सब अमीर दिखते हैं, या फिर सब सुंदर दिखते हैं, या फिर सब खुश दिखते हैं, और उनको देख के हमें लगता है कि हम ऐसे क्यों नहीं है। पूरे दिन हर दिन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते करते हमारी रात हो जाती है, हमारी सुबह हो जाती है, और ऐसा करने से हमें कोई अच्छी जानकारी नहीं मिल रही, हमें बस हमारे दिमाग में मिल रहा है कचरा। हाँ मतलब जानकारी रखना अच्छी चीज है, पर उन चीजों की जानकारी से क्या ही होगा जिनमें कुछ अच्छा ही नहीं है।
डेली अपनी सोशल मीडिया यूसेज 15 मिनट कम करते जाएं, हर रोज 15 मिनट कम करते जाओ, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे तुम तुम्हारे फोन को चलाओगे और तुम्हारा फोन तुम्हें नहीं चला पाएगा। और ये मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल है करना, क्योंकि हम लोगों में से कुछ तो अब फोन्स में एकदम स्टक हो चुके हैं, पर थोड़ी मेहनत और थोड़े सब्र से ये भी हो जाएगा। पर बदल नहीं सकते ऐसा कहीं नहीं लिखा, हम हमारे ख्याल पूरी तरह बदल सकते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि अगर मैं आपको बोलूं काला और सफेद इन दोनों में से जो हल्का रंग है वो चुनो, तो हम ऑब्वियसली वाइट चूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सफेद हल्का है। तो अगर हमें पता हो कि क्या चीज सही है तो हम वो ही चूज करेंगे। और यहां भी हमें खुद चूज करना पड़ेगा। जब भी दिमाग में गलत थॉट आए जो तुम्हें पता है रद्दी है, तो उसकी जगह कोई सही थॉट चुनो। और उस सही थॉट को चुनने के लिए पहले अपने दिमाग में सही चीजें भरनी होंगी। अगेन दिस विल टेक टाइम, कोई भी अच्छी चीज जल्दी नहीं होती। और ये है तीसरा तरीका ओवरथिंकिंग से लड़ने का। दो और तरीके बचे हैं जो मैं अगले हफ्ते अपलोड करूंगी, और अगर आपको पिछले वाला तरीका देखना है तो ये रहे दोनों वीडियोस। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंटल हेल्थ पे वीडियो बनाती रहूं, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार कि लोगों का दिमाग स्वस्थ रहे, अगर तुम भी ये चाहते हो तो सब्सक्राइब और शेयर कर दो। ठीक है, चलो बाय।